आज का टॉपिक है वाटर कैपिटल और ये एग्जाम में हर बार पूछा गया है। तो क्या होता है वाटर कैपिटल? इजी भाषा में बोलूँ तो जब कंपनी अपने पैसों का पानी कर देती है तो उसको वाटर कैपिटल बोलते हैं। अब आपको थोड़ी सी हंसी आई होगी, क्या बोल रहे हैं पैसों का पानी कर देना। जी हाँ, देखिए ध्यान से। इफ एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी इज नॉट इक्वल टू शेयर कैपिटल इट हैज इशूड, द डिफरेंस इज नोन एज वाटर कैपिटल। कहने का मतलब, अगर कंपनी किसी फर्म को खरीद रही है और उस फर्म के एसेट्स उतने नहीं हैं जितनी उस कंपनी ने उसको वैल्यू दे रखी है या शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स इशू किए हैं उसको हम लोग वाटर कैपिटल बोलते हैं। अभी आपको ये एकदम ईजी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर इंस्टेंस, इफ अ कंपनी इशू अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs टू परचेज अ बिजनेस वर्थ ₹3 lakhs, देन द कैपिटल इज वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 lakhs। कहने का मतलब, अगर एक कंपनी ने एक बिजनेस खरीदा, उस बिजनेस की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स ₹3 lakh है, कितने रुपए है ₹3 lakh, और कंपनी ने उसको वैल्यू दी ₹5 lakh के शेयर्स इशू करके। कंपनी ने कितने पैसे दिए? ₹5 lakh के शेयर्स इशू कर दिए। तो 2 lakh जो एक्स्ट्रा दिया है उसको हम लोग वाटर कैपिटल बोल सकते हैं। अब आपके मन में आएगा, ऐसा कोई कंपनी क्यों करेगा? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अभी हम लोग वही रीजन समझ लेंगे क्या रीजंस होते हैं वाटर कैपिटल के। तो वो लिखा है रीजंस फॉर वाटर कैपिटल। पहला, इफ द एसेट फॉर विच शेयर कैपिटल इज इशूड प्रूव यूजलेस, वाटर कैपिटल राइजेस। देखिए, हो सकता है कंपनी ने जब बिजनेस को खरीदा तो कंपनी को लग रहा था कि उसके एसेट्स जो हैं वो बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन खरीदने के बाद एहसास हुआ कि उसके एसेट्स जो हैं वो यूजलेस है या इतने वैल्यूएबल नहीं है जितना उसने सोचा था, तो उसके एंटिसिपेशन गलत हो गई। इसकी वजह से उसने 3 lakh के एसेट्स ₹5 lakh देके खरीद लिए या 5 lakh के शेयर्स देके खरीद लिए, तो जो एक्स्ट्रा 2 lakh दिए वो क्या हो गया? वाटर कैपिटल हो गया। फॉर इंस्टेंस, इफ द कैपिटल इज इशूड टू परचेज अ पेटेंट विच फेल्स एंड प्रूव्स वर्थलेस। एक और एग्जाम्पल है कि उसने पेटेंट खरीदा और उसको उम्मीद थी कि पेटेंट बहुत वैल्यूएबल होगा, लेकिन वो पेटेंट क्या हो गया? यूजलेस हो गया या वर्थलेस हो गया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है वो क्या हो गया? वाटर कैपिटल। ये पहला रीजन था वाटर कैपिटल का। सेकेंड रीजन, वाटर कैपिटल राइजेस ऑल्सो व्हेन प्रमोटर्स आर पेड एक्सट्रीमली हाई रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। अगर प्रमोटर्स को बहुत ज्यादा रेम्यूनरेशन दे रखा है उनकी सर्विसेज के लिए, तो भी वाटर कैपिटल राइज हो सकता है। तो दूसरा रीजन हो गया, अगर प्रमोटर्स को बहुत ज्यादा पैसा दिया है उनकी सर्विसेज के लिए। थर्ड, इफ अ कंपनी परचेज एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय पेइंग हायर देन रीजनेबल प्राइस, द एडिशनल अमाउंट इज वाटर कैपिटल। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद लेता है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर कैपिटल। अब आप बोलेंगे, सर एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे? देखिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल गूगल, वो क्या करती है, छोटी छोटी कंपनीज को खरीद लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कंपनी अभी तो थ्रेट नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है बड़ी थ्रेट बन जाए, तो गूगल ऐसी बहुत सारी कंपनी को खरीदती है। तो ऐसी कंपनी को खरीदते हैं तो वो अभी का प्राइस नहीं देते, वो ये सोच के प्राइस देते हैं कि फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर कैपिटल। और लास्ट रीजन, द कैपिटल रिप्रेजेंटेड अगेंस्ट हाई एक्सपेंसेस और इनइफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वाटर कैपिटल। कई बार कंपनी बहुत ज्यादा खर्चा करती है एडवर्टीजमेंट पे, प्रमोशन पे, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट जो है वो इनइफेक्टिव प्रूव होती है, वो इतनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर पाती, तो जो पैसा खर्च किया एडवर्टीजमेंट पे वो क्या हो जाता है? वाटर कैपिटल। सिंपल। अब बात करते हैं रेमेडीज, ये जो वाटर कैपिटल है, ये एक्स्ट्रा पैसा है, उसको हटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए या कंपनी क्या कर सकती है? द इफेक्ट ऑफ वाटर कैपिटल शोज दैट इट इज हार्मफुल। हमको ये तो समझ में आ गया कि वाटर कैपिटल कंपनी के लिए हार्मफुल होता है। रेमेडी फॉर वाटर कैपिटल इज टू रिड्यूस द शेयर प्राइसेस सफिशिएंटली सो दैट वाटर कैन बी रिमूव फ्रॉम द कैपिटल। और इसका एक ही रेमेडी है कि अपने शेयर प्राइसेस को कम कर दें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी का फ्लो है, दैट इज वाटर कैपिटल, वो सिस्टम से बाहर निकल जाए। तो रेमेडी क्या है? अपने शेयर प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इज ये था एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट वाटर कैपिटल का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आने के चांसेस 100% रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा था और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हम जैसे क्रिएटर्स के लिए जो रोज़ एक नया वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, उनके लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाय।